सुजानगढ़ के भोजलाई रोड पर कब्रिस्तान की दीवार गिर गई है, जिससे जो रास्ते में पानी था या छपटिया जो गंदा पानी था वो कब्रिस्तान में चला गया है। और इसको लेकर भी काफ़ी नगर पालिका उलाना दिया जा रहा है, क्योंकि नगर पालिका की जो तैयारी है वो नाकाफी रही, नालों का सफाई का कार्य ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण पानी जगह जगह भरा हुआ है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीवार ढह जाने से बहुत सारा पानी कब्रिस्तान में आ गया है, जिससे आप देख रहे हैं बहुत सारी कब्रें पानी में डूब गई हैं। सुजानगढ़ भोजलाई रोड स्थित कब्रिस्तान का दृश्य आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद बरसात का पानी कब्रिस्तान में आने से आप देख रहे हैं अनेक कब्रें पानी में डूब गई है और कई ढह गई है, धस गई है। ये रफाई आम कब्रिस्तान की दीवार है जो 13 कौम इसमें लगती है। इसके सामने अभी दो दो तीन तीन फुट पानी भर जाता है। वो पानी भरने की वजह से दीवार जो है वो अंदर की साइड में गिर गई, करीब 100 फुट लंबी दीवार। इसे सारी कब्रिस्तान में जलमग्न हो गया, जितने भी घर हैं इस कब्रिस्तान में बने हुए सभी को नुकसान हुआ है। आपने नगर परिषद में शिकायत की इसकी? हाँ, नगर परिषद में की थी, सुबह आया था, चेक किया था उन्होंने करीब 500 कट्टे रेत के भर के भेजे हैं। ये स्थिति कई सालों से बन रही है जैसे आप देख रहे हैं, तो आपने कभी इससे पहले भी कभी शिकायत की थी नगर परिषद को? शिकायत तो की थी, लेकिन अभी ये चापड़िया तलाई की जो भराई कर रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा भराई हो गई, जो पानी उधर का ही चापड़िया तलाई का पानी जो है वो इस कब्रिस्तान में आ गया है। चापड़िया तलाई में भराई किस चीज़ की हो रही है? वो नगर पालिका ने कुछ पास किया हुआ, जैसे वो गहराई थी ना, उस गहराई को ख़त्म कर रहे हैं वो। कल शाम को और रात को ही तेज़ बारिश से सुजानगढ़ के भोजलाई बस में स्थित कब्रिस्तान की हालत देख सकते हैं आप। कल रात को 2:30 बजे हुई बरसात से ये कब्रिस्तान की दीवार गिर चुकी है, जिससे सड़क के बाहर इकट्ठा हुआ पानी सारा कब्रिस्तान के अंदर आ चुका है। और इसे आप देख सकते हैं कब्रिस्तान के अंदर यहाँ पे दफनाए गए लोगों की कब्र पास में ही तलाई है, जिसका सारा पानी कब्रिस्तान के अंदर आ रहा है। काफ़ी अंदर तक पानी पहुंच चुका है, काफ़ी नुकसान हुआ है कब्रिस्तान को। और ये स्थिति आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है पानी। पहले सोचना था, उनको ये पता था कि अवरुद्ध आएगा, तो सोचना चाहिए आगे प्लानिंग पूर्व। सामने बारिश का मौसम है, ये नगर परिषद की घोर लापरवाही। कितना नुकसान हुआ है कब्रिस्तान को? नुकसान है पूरे घरों का, तकरीबन 40% कब्रों का नुकसान हो गया है। सुजानगढ़ में दो दिन की भारी बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। एक ओर जहाँ बाजार में पानी भर चुका है, मैं एक ऐसे स्थान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक ओर यहाँ पर मिडिल स्कूल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भूतनाथ जी का मंदिर है और यहाँ पर गौशाला है, गौशाला में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और अगर हम इधर की बात करें तो
ये रास्ता आप देखिए, यहाँ पर कोई निकल नहीं सकता है, यहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ फीट पानी भरा है। दो खास परेशानी की बातें हुई है, एक तो कब्रिस्तान की दीवार गिर जाने से कब्रिस्तान में जो पानी था ये चापटिया तलाई का या बरसात का पानी भर गया, और ये जो आप गेट देख रहे हैं पीछे ये शमशान की गेट है, और शमशान और गौशाला की गेट पर भी बहुत पानी भरा है। अगर ये रास्ते की बात करें तो ये प्रमुख रास्ता है, अगर इस रास्ते से किसी अर्थी को लेकर आए तो आने का कोई रास्ता नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेढ़ डेढ़ दो दो फीट पानी भरा है, यानी कब्रिस्तान में दीवार गिर जाने से पानी भर चुका है तो शमशान में आने का रास्ता भी बाधित हो चुका है। ये आप दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये सामने जो देख रहे हैं ये है नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये शमशान घाट में आने का रास्ता है। इधर जो आप गेट देख रहे हैं ये शमशान की गेट है, और इस रास्ते पर एक एक डेढ़ डेढ़ फीट पानी भरा है। बहुत बड़ी समस्या लोगों को कल शाम को और आज देर रात्रि हुई भारी बारिश के बाद में ये हालात सुजानगढ़ के हैं। ये श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति में जाने का रास्ते आप देख लीजिए, और रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ है, और ये धुणा है एक बाबा का, और इसमें भी आप देख सकते हैं पानी भर चुका है। गौशाला में पूरा पानी भरा हुआ आप देख सकते हैं, और ये गौशाला की स्थिति आप देख रहे हैं जहाँ पर गौ माता के लिए दलिया बनता है उस जगह पूरा पानी भर चुका है, और ये सारा पानी बारिश का पानी चापटिया तलाई का पानी यहाँ पर गौशाला में आया है। सुजानगढ़ में कल शाम को और देर रात्रि को हुई भारी बारिश के बाद में जो हालात है वो आप देख रहे हैं। इसमें जो दृश्य आप देख रहे हैं सुजानगढ़ की श्री कृष्ण गौ सेवा समिति का है, और शमशान घाट का ये प्रमुख रास्ता है यहाँ पर गौशाला और शमशान का, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, कोई व्यक्ति आ नहीं सकता है, और कब्रिस्तान में दीवार गिर जाने से भी कब्रिस्तान में ये चापटिया तलाई का गंदा पानी भर चुका है। यानी हर जगह बहुत बड़ी समस्या सुजानगढ़ में देखी जा रही है, और लोग बहुत परेशान हैं भारी बारिश के बाद में सुजानगढ़ में बाढ़ के से हालात बने हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति के मंत्री मूलचंद जी तिवारी हमारे साथ है। तिवारी जी, किस तरह की परेशानियाँ आई है बारिश के बाद में? बाहर का पानी सारा गौशाला के अंदर आ गया, शमशान और भूतनाथ मंदिर में आ गया, तो यहाँ गायों को बड़ी असुविधा होने लगी, तो ताज़ा मिट्टी डाल करके पंप आउट करके पानी को पंप आउट करके ताज़ा मिट्टी डाल के गौवंश को बांधा गया है। यानी ये जो सामने ही मिट्टी डलवाई गई है अभी डलवा करके गौवंश को कीचड़ से बचाने के लिए ऊपर में रखा गया है। बिल्कुल। और पानी कितना भर गया था गौशाला में? पानी आ गया था लगभग 9-10 इंच पानी आ गया था। है ये बालू मिट्टी डाली गई है, बिल्कुल नई मिट्टी आप देख सकते हैं, गौ माता ताकि आराम से खड़ी रह सके, ये आप देख रहे हैं बालू मिट्टी डाली गई है, जबकि ये आप देख रहे हैं ये बारिश का पानी, ये आप देख रहे हैं गौशाला में कितना पानी भरा हुआ है। सामने गाय माताओं को पक्के मकानों में रखा गया है, क्योंकि जहाँ पर यहाँ गौ माता रहती थी यहाँ आप देख रहे हैं पूरा पानी भरा हुआ है, और ये निराले बाबा गोवंश पक्षी हॉस्पिटल के सामने भी पानी भर गया है, पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का आप देख रहे हैं, और गायों को बचाने के लिए आप देख रहे हैं ये सारा काम पक्का काम है, लेकिन सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो खुले में गायें रहती थी उनको यहाँ से हटाना पड़ा है। भारी बारिश के बाद में गौशाला में आप देख रहे हैं पानी पानी भरा हर जगह, ये गौ माताओं के लिए पक्का कार्य है, इसलिए गौ माताओं को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ गौ माताएं खुले में रहती थी वो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। जी मैं देख रहा हूँ पूरी गौशाला जलमग्न हो चुकी है, कितनी परेशानियाँ हुई है? बहुत काफ़ी परेशानी हुई है, करीब 1.5 फुट पानी यहाँ जमा हो गया था। गोवंश का पशु पक्षी हॉस्पिटल है वो भी जलमग्न हो गया, सामने पूरा पानी पंप आउट किया है, बस गोवंश बचा हुआ है, इसलिए कि जो शेल्टर बने हुए हैं वो पक्के हैं, इसलिए गोवंश बाहर नहीं निकाल पा रहे, समंदर में कन्फाइंड है, लेकिन वो एरिया साफ है, गोवंश सेफ है। ये इतना पानी कहाँ से आया है? ये सब बाहर का पानी आ गया है तलाई के और उस साइड से घूम करके। बिल्कुल। बाहर का पानी पूरा गौशाला में घुस गया और भूतनाथ मंदिर में घुस गया। ये जो पीछे मैं पानी देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए हमने पिट बनाया हुआ है एक, उसमें पिट में भर दिया है, पंप चल रहा है, पंप से पंप आउट कर रहे हैं। अभी एक मड पंप मंगाया है तो मड पंप से ये सारा कीचड़ वीचड़ सब पंप आउट करेंगे। पीछे का जो नजर आप देख रहे हैं ये सुजानगढ़ के भोजलाईबा स्थित श्री कृष्ण गौ सेवा सदन समिति का है। भारी बारिश के बाद में बरसात का पानी चापटिया तलाई का पानी गौशाला में घुस गया है,
और जो पीछे जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर गौ माताएं रहती थी, गौ माताओं को पक्के ठानों में रखा गया है और बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, पंप आउट किया गया, इसको निकाला गया है, फिर भी अभी आप देख रहे हैं बहुत सारा पानी भरा है। जहाँ पर गौ माताओं के लिए लापसी बनाई जाती है, दलिया बनाया जाता है, वो पूरा छत्र है पानी से भरा हुआ है। और सुजानगढ़ में कब्रिस्तान की दीवार गिर गई है, बाजार में दुकानों में पानी भर गया है, भारी बारिश के बाद में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत जरूरी है कि नगर परिषद इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे, ताकि अभी श्रावण का महीना बाकी पड़ा है, और ज़्यादा बारिश हुई तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है।